आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहला आधिकारिक बयान दिया है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार नाकाम थी, इसलिए उसे हटाना जरूरी था। इसी के साथ तालिबान ने कई वादे भी किए हैं। तालिबान ने कहा, दूतावासों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, दूतावासों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, तालिबान महिलाओं से भेदभाव नहीं करेगा, महिलाओं को इस्लाम के अनुसार हक देंगे। तालिबान ने कहा है कि महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में आजादी से काम कर सकेंगी, साथ ही वो मीडिया पर भी कोई बंदिशें नहीं लगाएगा। तालिबान ने कहा कि वो दुनिया के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल समेत सीसीएस के बाकी सदस्य शामिल हुए। साथ ही पीएम मोदी काबुल एयरलिफ्ट पर निगरानी रख रहे हैं। इससे पहले आज काबुल से भारतीय राजदूत समेत 130 लोगों को लेकर एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहले जामनगर और फिर हिंडन एयरबेस पहुंचा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छा कोऑर्डिनेट किया, बट ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने की जब बारी आई तो मेरे कमांडोज ने फुल सिक्योरिटी के साथ में और अपने राजनयिकों को, ऑफिशियल्स को, डायस्पोरा को और खुद अपने कमांडोज की टीम हम सुरक्षित निकल कर आए हैं। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन ने कहा कि जो भारतीय अब भी फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है। That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is as long as the airport in Kabul functions. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां सैकड़ों सिख और हिंदू समुदाय के लोगों ने काबुल के एक गुरुद्वारे में शरण ली है। इन लोगों ने इंटरनेशनल सिख संगठनों से भावनात्मक अपील करते हुए उन्हें अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने की अपील की है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको सबको गुरुद्वारे में शिफ्ट किया जाए, लेकिन वहां के हालात भी इस तरह के नहीं है, वहां पे मूवमेंट भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है और ऐसे हालातों के अंदर दहशत का माहौल बहुत ज्यादा, सबको अपनी जान का बहुत बड़ा डर बना हुआ है। भारत के सिख संगठनों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए अतिरिक्त विमान भेजें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जहाज और भेजना चाहिए, जो वहां पे कंपनियों में काम कर रहे थे वो वहां से निकलना चाहते हैं, नहीं तो वहां पे बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है ताकि भारत आने वाले अफगानियों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके। अफगानिस्तान इमरजेंसी वीजा के तहत सभी अफगानी नागरिक इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। भारतीय दूतावास सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे वीजा देने या न देने का फैसला करेगा। पहली बार वीजा केवल 6 महीने के लिए दिया जाएगा। अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब तक अफगानिस्तान के नागरिकों को ई वीजा नहीं दिया जाता था। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने तालिबान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया है। पंजशीर प्रांत से साले ने बयान जारी किया कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और अफगानिस्तान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साले ने कल पंजशीर में अहमद शाह के साथ बैठक की थी। वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए काबुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए 1000 जवान तैनात कर दिए हैं। काबुल में अभी 4000 अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिका ने कहा कि वो 31 अगस्त तक सभी को निकाल लेगा। वहीं नाटो ने अफगानिस्तान के हालात की समीक्षा के बाद बड़ा बयान दिया। नाटो महासचिव जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा, अफगानिस्तान के हालात के लिए उसका नेतृत्व जिम्मेदार है। अफगान नेतृत्व खड़ा नहीं रहा, इसलिए सेना ने हार मान ली। अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, जिसमें शरणार्थियों को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन ने संकट से निपटने में भारत की अहम भूमिका बताई। दूसरी तरफ काबुल में रूस के राजदूत ने कहा कि 24 घंटे में काबुल ज्यादा सुरक्षित हुआ है। इस बीच तालिबान के कब्जे के बाद जर्मनी ने अफगानिस्तान में अपने विकास कार्य रोक दिए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने जेलों में बंद अपने आतंकियों की रिहाई तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान की जेलों से 780 पाकिस्तानी आतंकी भी रिहा किए हैं। तहरीक तालिबान के इन आतंकियों को पिछले कुछ वर्षों के संघर्ष में अफगान सेना ने पकड़ा था।
सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद तहरीक तालिबान और दूसरे पाकिस्तानी संगठनों के आतंकियों ने पाकिस्तान वापसी भी शुरू कर दी है। ऐसे आतंकियों की संख्या 8,000 से ज्यादा है। ये आतंकी भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार लेकर लौट रहे हैं। अफगानिस्तान में लड़ने के लिए यह असलहा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ही दिया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या कर दी। आतंकियों ने जावेद अहमद डार को उनके घर के बाहर गोली मारी। जावेद अहमद डार होमशालबुग विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी थे। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान कश्मीरियों का और मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है। पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस हत्या की निंदा की। पेगासस कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब मांगा है। मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, हलफनामे में सब कुछ नहीं दे सकते। ये मामला सार्वजनिक किए जाने, जनता में चर्चा करने का नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जासूसी की बात सिर्फ अनुमानों के आधार पर कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा, ये कोई नहीं चाहेगा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो। रक्षा हित को देखते हुए हम कोई खुलासा नहीं करने जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वो सरकार से सिर्फ ये जवाब चाहते हैं कि जासूसी कार्रवाई थी या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। ट्विटर पर रेप पीड़ित परिवार की फोटो शेयर करने के मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी को फिर घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार ने फोटो सार्वजनिक करने पर सहमति नहीं दी थी। पीड़िता की मां है, उन्होंने खुद बयान देकर कहा है, एक बार दो बार नहीं कई बार उन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से कि हमारे परिवार से किसी प्रकार कोई कंसेंट लेटर नहीं दिया गया है। दुखद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश को इतना बड़ा झूठ बोला। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संवेदनहीनता का परिचय दिया था। कांग्रेस ने JP नड्डा को जवाब देते हुए कहा कि दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े होना गलत नहीं है। राहुल गांधी जी जो हैं, वो वहां पर जाकर के उस महिला उस परिवार से मिल सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे कर सकते हैं और पार्लियामेंट के अंदर उस मसले को उठा सकते हैं, लेकिन वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा की मंत्री हैं, उनको टाइम नहीं है कि वो वहां पर जाएं। क्या ये राजनीति होती है? रेप पीड़ित लड़की के परिवार की तस्वीर शेयर करने की वजह से ट्विटर ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.